dear students of second year biology, we are going to start our topic urinary system in human excretory system. Human excretory system में हमने excretory organs एक liver और दूसरा kidneys पढ़ने थे. तो बड़ा जी liver हमने जो है वो lecture 9 के अंदर पढ़ा है. आज lecture 10 के अंदर जो है वो urinary system. बड़ा urinary system के तीन components हैं. किडनीज यूरेटर्स सॉरी चार किडनीज यूरेटर्स यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा. ये सेंटर में जो डायग्राम है ये आपको एक पूरा ह्यूमन यूरिनरी यूरिनरी सिस्टम दिखा रहा है. तो ये राइट किडनी है, लेफ्ट किडनी है. किडनीज जो है पेयर की सूरत में हमारे बॉडी में पाए जाते हैं. बीन शेप्ड होते हैं डॉर्सल साइड ऑफ बॉडी, ठीक है ना जी. ये हमारी बॉडी की वेंट्रल साइड है और ये हमारे बॉडी की जो है वो डॉर्सल साइड है. और एब्डोमिनल रीजन में एक लोअर एब्डोमिनल होता है जहां पे हमारी कमर होती है, उसके उससे ऊपर अपर एब्डोमिनल रीजन में जो है ये वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइडों पर जो है वो पाए जाते हैं. अगर आपको मेरे ये हाथ की उंगलियां नजर आ रही हो तो क्या ही बात है, आ रही है नजर. तो यहां पे बस ये पाए जाते हैं. तो खैर बड़ा जी राइट किडनी जो होता है वो बिलो पाया जाता है और जो लेफ्ट किडनी है वो ऊपर पाया जाता है. थोड़ा सा उसकी वजह एवोल्यूशन भी हो सकती है, लेकिन जरा गौर से देखिएगा ये जो फुल एक लाइन नीचे आ रही है ना, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है. ये रीनल आर्टरी है, ये असल में एब्डोमिनल एओटा है जो हमारे दिल से आ रही है, ठीक है ना जी. और इस तरह से ये इन्फीरियर वेना कैवा है जो दिल की तरफ खून लेके जाएगा. इसने दिल से खून लेके आना है और ये दिल की तरफ खून लेके जाएगा. ये किडनी से रीनल वेन्स के जरिए से खून वसूल करता है और ये रीनल आर्टरी के जरिए से किडनीज को खून देता है, ठीक हो गया ना जी. तो किडनी से जो है वो किडनी के अंदर एक डिप्रेशन होता है, गड़ा सा होता है. उस डिप्रेशन को हाइलस के नाम से पुकारते हैं. वहां से यूरेटर्स जो है वो ओरिजिन होते हुए नजर आते होते हैं जो कि आखिरकार यूरिन को किस में ड्रेन करते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में. यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर के दरमियान में जो सुराख पाए जाते हैं उन सुराखों को कहते हैं यूरेट्रल ओरिफाइस. ओरिफाइस का मतलब ही ओपनिंग होता है. तो यूरेटर्स के ओरिफाइसेस जो यूरिनरी ब्लैडर में हो रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं, यूरेट्री यूरेट्रल ओरिफाइस. तो यूरिनरी ब्लैडर जो है ये अपने अंदर यूरिन को स्टोर भी कर सकता है और फिर जो है जब ये फुल हो जाता है तो हमें एक जो है वो सेंसेशन पैदा होता है यूरिनेशन का, यानी पेशाब की हाजत महसूस होती है. और यूरिथ्रा के थ्रू जो है यूरिन को जो है वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है. ये यूरिथ्रा जो है फीमेल्स में वजीना में ये जो है वो खुलता है और जबकि मेल्स में जो है वो पीनिस के थ्रू जो है वो बाहर एक्सटर्नली खुल जाता है. तो बेटा जी यूरिथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर के जंक्शन पे स्फिंक्टर मसल्स पाए जाते हैं जो कि फिर जो है वो उसको यूरिनरी ब्लैडर को जो है ना वो दबाते हैं ताकि जो है वो यूरिन जो है वो यूरिनरी ब्लैडर से बाहर आ जाए. तो बेटा जी ये हमारे यूरिनरी सिस्टम के कुछ देखें हमारे किडनीज की कुछ स्पेशलिटी है. इसमें मिलियंस नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं और वो मिलियन नेफ्रॉन्स किडनीज के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव ब्लड सप्लाई है. रीनल आर्टरी जो कि किडनी के अंदर एंटर होती है वो कई रीनल आर्टरियोल्स में और फिर आर्टरियोल्स आगे जो है वो कई कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं और हर नेफ्रॉन के हिस्से में बहुत ज्यादा वाफर ब्लड जो है वो आता है ताकि ब्लड में से जो है वेस्ट वाटर और दूसरे जो चीजें हैं उनको फिल्ट्रेट किया जा सके. ये किडनीज हमारे बॉडी का तकरीबन 1% वेट ऑफ बॉडी होते हैं, लेकिन हर हार्ट बीट के साथ हमारे 20% ब्लड जो है उसको ये क्लियर करने की सलाहियत रखते हैं. इतने बड़े जबरदस्त किस्म के जो है ये क्लियरिंग सेंटर्स हैं जो हमारे वेस्ट को क्लियर करते हैं. तो अब बेटा जी जो है किडनीज के ये छोटा सा यूरिनरी सिस्टम हमारा जो है उसके ऊपर था. तो ये हमारा जो है बेसिक फंक्शनल यूनिट जो है वो किडनीज के अंदर जो है वो कौन है, नेफ्रॉन्स है. तो आज जरा नेफ्रॉन्स के ऊपर बात शुरू करते हैं. सबसे पहले जो है वो नेफ्रॉन जो है वो हमारा किडनीज का यही फंक्शनल यूनिट्स और है नेफ्रॉन. अगर नेफ्रॉन को डिफाइन करें तो आप यही कहेंगे कि फंक्शनल यूनिट इन किडनीज आर कॉल्ड नेफ्रॉन्स. तो ऑफ जो है तो बेटा जी आर अरेंज्ड अलोंग टू डिस्टिंक्ट रीजंस.
ये किडनी के अंदर दो रीजन में अपने आप को तरतीब दिए होते हैं। तो किडनीज का ये एक मैंने ना आपको ट्रांसवर्स सेक्शन जो है वो काट के दिखाया गया है। तो इसमें जो है ना पहले ये जो आपको जितना मोटा बड़ा सा डॉटेड हिस्सा नजर आ रहा है ये असल में इसका पेल्वस है। क्या है? पेल्वस, सेंट्रल केविटी इन द किडनी वेयर यूरिन इज कलेक्टेड फ्रॉम ऑल द नेफ्रॉन्स। ठीक है ना जी। तो किडनी का वो सेंट्रल हिस्सा जहां पे तमाम नेफ्रॉन से जो वो यूरिन कलेक्ट हो जाता है उस हिस्से को क्या कहते हैं? पेल्वस कहते हैं। पेल्वस जो है वो यूरिन किस में डालता है? यूरिटर में डालता है। ठीक है, यूरिटर से आगे यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से फिर यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर जी। तो ये बड़े दो रीजन हैं, ये जो वाइड वाइड एरिया आपको बाहर बाहर नजर आ रहा है ये कॉर्टेक्स है, और जो ये ट्राइंगल्स वाला हिस्सा आपको नजर आ रहा है रेनल पैरामिड्स की सूरत में, मखरूती तकोनों की सूरत में, उसको हम क्या कहते हैं? मेडुला कहते हैं। तो मेडुला सेंट्रल होता है और आउटर जो है वो क्या होता है? कॉर्टेक्स। तो नेफ्रॉन्स जो किडनी में अपने आप को दो हिस्सों में अरेंज करते हैं, एक जो है वो इनर मेडुला की तरफ में और दूसरा जो है वो कॉर्टेक्स में। तो बेटा ये हम नेफ्रॉन्स की फिर ना दो टाइप्स करते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, वो नेफ्रॉन्स जो सिर्फ और सिर्फ कॉर्टिकल रीजन में पाए जाते हैं जो है। द नेफ्रॉन्स अरेंज अलोंग द कॉर्टेक्स आर कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, हाउएवर दे आर अरेंज अलोंग द बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स एंड मेडुला। यानी कि ये आधे उनका जो है ना वो जो हिस्सा होगा वो कॉर्टेक्स में होगा और आधा हिस्सा उनका किस में होगा? मेडुला में। बेटा जी ये जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स है ना ये क्या कहते हैं दे ट्यूबुलर सिस्टम, उनका वो जो ट्यूब्यूल वाला हिस्सा है वो आपको भी मैं दिखाता हूँ, वो लूपिंग डीप इन द इनर मेडुला। ठीक है ना जी। तो एंड मेडुला जो है और वो मेडुला विद देयर ट्यूबुलर सिस्टम लूपिंग डीप इन मेडुला जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। तो ये दो इस तरह से हो गए, एक वो जो नेफ्रॉन्स कॉर्टिकल्स में पाए जाते हैं वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स है, और दूसरे वो जो अपने आप को अरेंज करते हैं कहां पे? बॉर्डर में, मेडुला और कॉर्टेक्स के बॉर्डर में। उनका एक हिस्सा जो है वो कहां पाया जाता है? आधा हिस्सा जो है वो उनका कॉर्टेक्स में पाया जाता है और आधा हिस्सा जो है वो उनका किस में पाया जाता है? वो जो है वो मेडुला में पाया जाता है। तो इनको चूंकि ये बॉर्डर पे पाए जाते हैं इसलिए इनका नाम क्या रखा जाता है? जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। क्या नाम रखा जाता है? जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। अब इनका फंक्शन में एक बुनियादी डिफरेंस होता है, ये बात आपको कोई भी नहीं बताएगा। जक्स्ट्रा कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स सिर्फ ब्लड की फिल्ट्रेशन करने का काम करते हैं, ये कभी भी यूरिन नहीं बनाते, ये ब्लड में से फिल्ट्रेट करके किसको देते हैं? मेडुलरी रीजन को देते हैं, यूरिन फॉर्मेशन का काम नहीं करते। जबकि जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन है वो फिल्ट्रेशन भी करते हैं और यूरिन फॉर्मेशन भी करते हैं, यूरिन प्रोसेस करना। ठीक है ना जी। ये तो एक ब्लड में से जो कुछ निकाल लिया उस सारे को बाहर निकाल दिया जाए, ऐसा तो नहीं। उसमें से ग्लूकोज भी है, अमीनो एसिड भी है, विटामिंस भी है, बड़े इंपॉर्टेंट किस्म के साल्ट्स भी हैं, हम तो न्यूट्रिएंट्स की कमी से मर जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन जो बहुत कीमती है। तो बेटा जी ये जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन का मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, तो जरा पहले गौर से देखेंगे कि इस स्ट्रक्चर के ना तीन एक दो अंदाज है। अगर आप देखेंगे कि ये जो है ना राइट साइड है, ये जो राइट साइड है इधर सिर्फ ब्लड कैपिलरीज का लेबलिंग है, और जो राइट साइड है इधर जो है वो नेफ्रॉन के पार्ट्स की लेबलिंग है। नेफ्रॉन और उसके इर्द गिर्द ब्लड सप्लाईज, दो तरह के नालियां जो है वो एक ही जगह पे मौजूद है। उनको अच्छे तरीके से समझने के लिए बेहतर है कि हमने पहले नेफ्रॉन के पार्ट्स है देखे। सबसे पहला पार्ट बोमेन कैप्सूल है, उसके बाद प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल जो कि कन्वोलेटेड है, ये बोमेन कैप्सूल है। ठीक हो गया जी। फिर इससे जो है ये प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड बलदार हिस्सा, फिर उसके बाद ये लूप ऑफ हेनले है, लूप ऑफ हेनले नंबर तीन पे आता है, लेकिन उसके भी दो पार्ट्स हैं, एक डिसेंडिंग आर्म जो नीचे को यूरिन या फिल्ट्रेट को लेके आएगा, और दूसरा जो वो असेंडिंग आर्म है जो कि ऊपर को लेके जाएगा, और फिर असेंडिंग आर्म इसमें क्या 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 डिस्टल ट्यूब्यूल बनाता है, और डिस्टल ट्यूब्यूल आखिरकार फाइनली किसमें जाके मिल जाता है? कलेक्टिंग डक्ट में। इस साइड पर सारे नेफ्रॉन के पार्ट्स हैं और इस साइड पर उनके इर्द गिर्द पाए जाने वाली ब्लड कैपिलरीज हैं। वो ब्लड कैपिलरीज जो कि बोमेन कैप्सूल के अंदर पाई जाती हैं उन्हें ग्लोमेरुलस कहते हैं, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज। इस ग्लोमेरुलस कैपिलरीज के भी दो हिस्से हैं, वो ब्लड कैपिलरी जो के जो है वो ब्लड को अंदर लेके जाती है उसे कहते हैं एफेरेंट। आप अपनी किताब में देखें पेज
114 के ऊपर, तो एक वो ब्लड कैपरी जो के ब्लड को ग्लोमेरुलस जैसे गुच्छे की तरफ लेके जा रही है उसे अफेरेंट आर्टरियोल कहते हैं, और जो ग्लोमेरुलस से बाहर लेके आ रही है उसे एफेरेंट। मैंने अगर डॉट्स कर दिए ताकि जो वो आपको आसानी रहे, ये डॉट्स ब्लड कैपरीज हैं। पहले जाके ये क्या रही वो बालदार हिस्सा जो कि प्रॉक्सिमल प्रॉक्सिकमल प्रॉक्सिमल ट्रिब्यूल और डिस्टल ट्रिब्यूल दोनों एक ही जगह पे इकट्ठे हैं, लेकिन नहीं इकट्ठे जरूर है एक जगह पे, लेकिन वो एक जो है वो लूपा फेनले से पहले आता है इसलिए इब्तदाई, और एक लूपा फेनले के बाद में आता है इसलिए डिस्टल। डिस्टल का मतलब क्या होता है आखिरी। तो इस तरह से ये दो अलग अलग है लेकिन इकट्ठे एक जगह पे हो जाते हैं, क्योंकि लूपा फेनले जो है वो यूटर लेके वापस चला जाता है इमरान खान वाला, ठीक है ना, ऊपर चला जाता है वापस अपनी पोजीशन पे चला जाता है। तो ये जो ऊपर वाला ना बोमैन कैप्सूल और कन्वोलेटेड ट्रिब्यून यानी प्रॉक्सिमल डिस्टल ट्रिब्यून ये कहाँ पाए जाते हैं, ये कॉर्टेक्स रीजन में पाए जाते हैं। ये बड़ा जी तीनों एक दो तीन ये किसमें पाए जाते हैं, जस्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन में, ये कॉर्टिकल रीजन में पाए जाते हैं। और सिर्फ लूपा फेनले जो है वो मेडुलरी रीजन में पाया जाता है, और कलेक्टिंग डक्ट्स जो है वो भी नीचे जो मेडुलरी रीजन की तरफ जो वो डायरेक्टेड होती हैं। तो बड़ा जी जो है वो नेफ्रॉन का जो हिस्सा है ना जी बोमैन कैप्सूल को मिल रहा है, यहाँ पे बड़ा सा करके बना के दिखा दूं ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में। ये वाला ऐसे ये अब कन्वोलेटेड होना शुरू हो गया है, बालदार होना शुरू हो गया है। तो ये जगह जो है ना ये क्या कहलाती होती है, ट्यूब्यूल की ल्यूमन, ठीक है ना जी। फिल्ट्रेट इसमें आ जाना है, यहाँ पे तो ब्लड का कैपिलरीज मौजूद है, ग्लोमेरुलस मौजूद है, मैं जी लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ जाए ग्लोमेरुलस। अच्छा ये जो बोमैन कैप्सूल होता है ना इसकी जो आउटर एपिथीलियम होती है बाहर वाली जो दीवार होती है वो तो सिंपल एक एपिथीलियम है, जैसे हम म्यूकोजा टाइप जिसे हम कह देते हैं, जैसे सैकमोजा जैसे ये हमारे चीक्स के अंदर पाई जाती है ना जी, इस तरह की एपिथीलियम, वो पोरस नहीं है। लेकिन ये जो होती है ना इनर वेजी वेजी हम इसे विजरल लेयर भी कह देते हैं, इनर लेयर भी कह देते हैं, ये पोडोसाइट्स की बनी होती है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, याद भी करने की जरूरत नहीं है आपको, मेरा पता ही है, मैं कहता था सिर्फ किताब वाला याद करे। वो पोडोसाइट्स के दरमियान में छोटे छोटे से जैसे ये मेरी दो उंगलियों के दरमियान में ऐसे समझे सेल्स के दरमियान में ऐसे गैप्स होते हैं, तो उनसे जो है वो फिल्ट्रेशन होके यहाँ पे ब्लड का फिल्ट्रेट इस जगह पे जमा हो जाएगा। तो बेटा जी आज जरा किताब से एक दफा पढ़ लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन ताकि आपको ये सारे हिस्से समझ में आ जाए। इन ईच नेफ्रॉन इनर एंड फॉर्म्स ए कप शेप स्वेलिंग जो है बोमैन्स कैप्सूल, याद रखें ये ट्यूब्यूल का ये वो एंड है जो कि आगे से ब्लाइंड है। बोमैन कैप्सूल वाली जगह पे नेफ्रॉन क्या होता है ब्लाइंड यानी बंद हो जाता है, ठीक है ना जी। तो कार्ड बोमैन्स एंड इट इज अराउंड बॉल ऑफ कैपिलरीज, अब यहाँ पे जो पहली ब्लड कैपिलरीज पाई जाती है बोमैन कैप्सूल के अंदर तो वो क्या कहलाती है ग्लोमेरुलस, ठीक हो गया ना जी। उधर से पहला ऐसा बोमैन कैप्सूल और इधर से पहला ब्लड कैपिलरीज ग्लोमेरुलस। अच्छा जी ग्लोमेरुलस सर्कुलेट द ब्लड थ्रू कैप्सूल एज इट अराइव्स थ्रू अफेरेंट आर्टरियोल, अफेरेंट आर्टरियोल के जरिए से ब्लड ग्लोमेरुलस में आता है एंड लीव द कैप्सूल बाय अफेरेंट आर्टरियोल्स, और ग्लोमेरुलस से ब्लड जो बाहर निकलता है वो कौन सा आर्टरियोल है अफेरेंट आर्टरियोल जी। तो द ब्लड वेसल सब डिवाइड्स अगेन इनटू अनदर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड पेरिट्यूबुलर, जैसी अफेरेंट आर्टरियोल आती है वो घूम के वापस इस प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल ट्यूब्यूल की तरफ जाके अपना एक नेटवर्क कैपिलरीज का बनाती है, उन कैपिलरीज को क्या कहते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो कि प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल ट्यूब्यूल की तरफ जो बेटा जी पाई जाती हैं। अच्छा अब जो है चलते हैं किसकी तरफ, जो है बोमैन कैप्सूल क्या करता है जी, बोमैन कैप्सूल एक्सटेंसिवली इनकन्वर्टेड बहुत ज्यादा जैसे उसमें से नाली निकलती है बहुत ज्यादा बल्क आती है, मैं तो दो चार बना दी है आपकी किताब में काफी बने हुए, आप भी दो की बना रहे हैं, इसमें क्या है हमने बाली शो करने हैं। कन्वोलेटेड बहुत ज्यादा बलदार होती है, ठीक है ना जी। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल पहले प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल बनता है, फिर प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से क्या बनता है लूपा फेनले एंड लूपा फेनले पहले डिसेंडिंग बनाता है फिर असेंडिंग आर्म बना के आखिरकार किसमें क्या बनाता है जी जो है वो डिस्टल ट्यूब्यूल विच एम्प्टीज इनटू जो के यहां तक पहुंचते पहुंचते यूरिन तैयार हो जाता है कंसंट्रेटेड हो जाता है। हम लैंड एनिमल्स एंड टेरेस्ट्रियल है वाटर कंजर्वेशन करनी है हमारा यूरिन कंसंट्रेटेड ही होना चाहिए,
तो वो कलेक्टिंग डक्ट में डाल दिया था। कलेक्टिंग डक्ट किसमें यूरिन को पहुंचाएगा? पेल्वस में। सारे कलेक्टिंग डक्ट किसमें पहुंचाएंगे? पेल्वस। ये जितना डॉटेड एरिया ये सारा पेल्वस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेटा जी वहां पे पहुंचा देंगे द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स ओपन इनटू पेल्वस, द फिल्ट्रेट फ्रॉम ग्लोमेरुलस पासस थ्रू दीस स्ट्रक्चर्स एंड इज प्रोसेस। जो ब्लड ग्लोमेरुलस में से फिल्ट्रेट किया जाता है उस चीज को क्या कहते हैं? ल्यूमन में जो आएगा उसको क्या कहेंगे? फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेशन के बाद जो चीज ल्यूमन में ट्यूब्यूल के अंदर पहुंच जाएगी, ब्लड का जो हिस्सा ल्यूमन के अंदर पहुंच जाएगा वो क्या कहलाएगा? फिल्ट्रेट। फ्रॉम द ग्लोम पास थ्रू दीज स्ट्रक्चर्स, किस किस स्ट्रक्चर में से? प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, लोपा फेंडले, डिस्टल ट्यूब्यूल, इनमें से गुजरता है एंड इज प्रोसेस्ड अल्टीमेटली और उसको आखिरकार तैयार कर दिया जाता है फॉर यूरिन फॉर्मेशन। द पेरिट्यूबुलर कैपरीज, कौन आ गई? पेरिट्यूबुलर कैपरीज, वो जो के प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल ट्यूब्यूल के अर्द गिर्द पाई जा रही थी, जिन्हें इंटरमिंगल मिक्सअप हुई होती है विद प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन इन जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, एडिशनल कैपरीज का एक और नेटवर्क, एडिशनल कैपरीज का एक और नेटवर्क विच इज प्रेजेंट अराउंड द लूप ऑफ हेनले, जो है वो क्या बनाता है? वेजा रेक्टा बनाता है। क्या बनाता है? वेजा रेक्टा। तो बेटा जी अगला टॉपिक शुरू हो रहा है फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन। तो देखें जी फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन में पहला फिल्ट्रेशन, ब्लड पासिंग थ्रू ग्लोमेरुलस इज फिल्टर्ड इनटू बोमैन्स कैप्सूल। ब्लड जो है वो यहां पे किस में डाला जाता है? ल्यूमन के अंदर। तो खास तरीके से वो मैंने बताया कि पोडोसाइट्स जो है वो बहुत जबरदस्त काम करते हैं, हर चीज को नहीं गुजरने देते, वो रेड ब्लड सेल्स को, व्हाइट ब्लड सेल्स को, प्लेटलेट्स को नहीं गुजरने देंगे, और ना ही रेड ब्लड व्हाइट ब्लड सेल्स जो ग्लोमेरुलस से बाहर आते हैं, ठीक है ना जी। बिकॉज ग्लोमेरुलस वॉल्स आर पोरस एंड द फंक्शन ऑफ द ब्लड प्रेशर एंड द फ्रैक्शन ऑफ द ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर एक फोर्स है, उसका कुछ हिस्सा जो ग्लोमेरुलस के हिस्से में आता है उस फोर्स की वजह से क्या हो जाता है? बहुत सारे केमिकल कंपोनेंट्स जो हैं वो ब्लड में से निकल के बोमैन कैप्सूल के ल्यूमन में पहुंच, यानी नेफ्रॉन के ल्यूमन में पहुंच जाते हैं। द फिल्ट्रेट अपीयरिंग इन द ग्लोमेरुलस इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट विच कंटेन्स न्यूमरस यूजफुल सब्सटेंसेस सच एज ग्लूकोज, अमीनो एसिड, साल्ट्स एक्सेट्रा इन एक्वस सॉल्यूशन। अब ये सारा कुछ यूरिन का हिस्सा तो नहीं ना होना चाहिए, तो फौरन क्या शुरू हो जाती है? रीअब्सॉर्प्शन। अगला फंक्शन, ऑल द यूजफुल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, तमाम अहम किस्म के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, ग्लूकोज वगैरह हैं, ठीक है ना जी, साल्ट्स हैं, विटामिन्स हैं, रीअब्सॉर्ब इन प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल एंड व्हेन फिल्ट्रेट लीव्स प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, जब फिल्ट्रेट प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से निकल के लूप ऑफ हेनले में आता है तो उसमें क्या रह जाते हैं? सिर्फ वाटर, नाइट्रोजन वेस्ट और साल्ट्स कुछ रह जाते हैं जो एक्सेस होते हैं, बाकी तकरीबन सारा कुछ रीअब्सॉर्ब हो जाता है। बेटा जी सेक्रीशन लूप ऑफ हेनले वाली जगह पे और कलेक्टिंग डक्ट्स वाली जगह पे जो है वो हमारा ब्लड जो है या हमारा बॉडी जो है वो कुछ कंपोनेंट्स यूरिन में खुद भी डालता है, ठीक है ना जी। जरा देखें ट्यूबुलर एपिथीलियम आल्सो सेक्रीट्स, किसकी ट्यूबुलर एपिथीलियम? बेटा नेफ्रॉन एक ट्यूब्यूल है, उसकी दीवारों को क्या कह रहा जा रहा है? ट्यूबुलर एपिथीलियम, एपिथीलियल सेल्स एक्टर ट्रांसपोर्ट के जरिए से क्या डाल देते हैं इनटू द ल्यूमन, दिस सेक्रीशन इज वेरी सिलेक्टिव, सोडियम आयंस डाले जा सकते हैं, हाइड्रोजन आयंस डाले जा सकते हैं, सोडियम आयंस साल्ट कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए, ठीक है ना जी, और हाइड्रोजन आयंस जो है वो पीएच को बैलेंस करने के लिए इस तरह से, तो पासिंग थ्रू द ट्यूब्यूल। तो हम इंशाल्लाह ताला जो है अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीटरी प्रोडक्ट्स, यानी यूरिन को गाढ़ा कैसे किया जाता है। तो बेटा जी कोई भी सवाल हो जरूर पूछें, अल्लाह ताला हम सबका मददगार हो, आमीन, शुक्रिया।